हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। गाड़ी देखो भाई, हमने ही लिया, मतलब मेरी फैमिली में लिया, बहन है मेरी, तो उसने लिया है अपनी नेक्सॉन की, टाटा की नेक्सॉन XM वेरिएंट है। बाकी आज हम इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसने क्यों ली, मतलब जैसे जाते हैं ना, मतलब भाई आप गाड़ी देखते हो तो उसके मतलब कंपैरिजन में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, इसके कंपैरिजन में वो देखेंगे, बताएंगे हमें उसने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी, यही क्यों ली टाटा की नेक्सॉन, जबकि पता है सर्विस में इतनी दिक्कतें आती हैं भाई अपनी इसमें इंडिया में। तो आज हम इसके ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। एक अभी दो दिन पुरानी गाड़ी है, मतलब 200-250 किलोमीटर ही चली है। तो अब बिना देरी के बुलाते हैं इसके ओनर को। आ जाओ फ्रेम में, आ जाओ भाई मुस्कान। क्या हाल है सबसे पहले दीदी जी? हेलो। तो ये है अपनी बहन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इससे पूरा डिटेल ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, पहले कौन सी गाड़ी चलाती थी ये, अब इसने ये क्यों ली, कंपेरिजन वीडियो, मतलब जो भी होता है ना। हाँ तो मुस्कान, क्या हाल है तेरे? बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले अपने बारे में, बता थोड़ा सा कहाँ से है, क्या करती है। मुस्कान हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी। हाँ। पीजी कॉलेज से गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। और क्या कहते हैं, अब मास्टर्स में एडमिशन लिया है, अब देखो आगे क्या प्लान है। अच्छा, मास्टर्स के साथ साथ मतलब गाड़ियों का ऐसा क्रेज, वो भी जो ऐसी ट्रेंडिंग में गाड़ी आ रही है टाटा की, मतलब गाड़ियों का क्या शौक है क्या, मतलब गाड़ियों का, मतलब जो मैं चलाती हूँ स्टार्टिंग से, और वहाँ पर कोई चलाता नहीं था। अच्छा, तो फिर मतलब मैं ये बंदी हूँ जो घर पे गाड़ियाँ चलाती हूँ। अच्छा अच्छा, पापा वगैरह इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि टाटा की नेक्सॉन क्यों? एक तो टाटा इंडिया की ब्रांड है सबसे बड़ी बात। अरे वाह। और क्या कहते हैं, नेक्सॉन इसलिए क्योंकि इसमें कम पैसों में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे थे। अच्छा, फीचर्स अच्छे अच्छे मिल रहे थे। अच्छा, तो फीचर्स अच्छे, पहले अंदर चलेंगे बाद में फीचर्स बताना, मतलब पहले कौन सी गाड़ी यूज करती थी आप? पहले मैं इटी यूज करती थी, डिजायर भी है हमारे पास एक। अच्छा, डिजायर भी है, स्विफ्ट भी है, टोयोटा भी है, और इटिया भी है, टाटा भी, तीन अलग अलग कंपनी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, टाटा टोयोटा और ये अपनी कौन सी थी वो, मारुति सुजुकी, तीनों में से सबसे बेस्ट गाड़ी अब तक कौन सी लगी आपको? अभी तो यही लग रही है, अब यही लग रही है, नई गाड़ी है। चलो ये भी सही है भाई। अच्छा, और चीज कितने की पड़ी थी हमको ये ऑन रोड? वैसे तो मैंने बताया था इसका प्राइस 1145 कुछ। अच्छा, 1145। हाँ, पर वो उस टाइम ओपनिंग थी शोरूम की, तो डिस्काउंट करके वो उसमें पड़ गई थी हमें 1045 की कुछ पड़ी है। 1045 की ऑन रोड, मतलब पूरा आईटी वगैरह सब चीज लगा के, बेसिक किट वगैरह लगा के। अच्छा, किट भी लगाई है उन्होंने? अभी लगाएंगे, उनके पास अवेलेबल नहीं थी तो दो दिन बाद लगाएंगे। अच्छा, मतलब एसेसरीज वगैरह कंपलसरी कर दी थी उन्होंने लेने, जैसा अब चल रहा है। कितने की एसेसरीज ली थी फिर? एसेसरीज थी मतलब बेसिक किट ली हमने, बेसिक किट में 5000 की किट बता रहे थे। अच्छा अच्छा, 5000 की, मतलब 1150 के लगभग पड़ी है आपने गाड़ी, है ना? अच्छा सही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको लेने के लिए गए थे तो आपने कोई और गाड़ी नहीं देखी? हैरियर भी देखी थी। अच्छा, हैरियर, ये तो बहुत अपर सेगमेंट हो जाता है। फिर उस टाइम था नहीं इतना बजट, क्योंकि अभी छोटी गाड़ी लेनी थी, क्योंकि इटियोस का निकालने का टाइम आ गया था। अच्छा, इटियोस का टाइम पूरा हो गया था, तो इस वजह से फिर यही पसंद आ गई, तो यही दे। अच्छा, और कोई सी मतलब वेन्यू भी आती है इसके? वेन्यू भी देखी थी, ब्रेजा भी देखी थी। अच्छा, नई वाली जो ब्रेजा आई है। अच्छा, लुक में थोड़ी सही नहीं लगी। अच्छा, और क्या कहते हैं, वो भी थी, अर्बन क्रूजर भी थी। अच्छा, अर्बन क्रूजर, वो तो अच्छी गाड़ी है अर्बन क्रूजर तो, पर ये ज्यादा बढ़िया है। वो ही है ना, वोकल फॉर लोकल के लिए गए है अपनी। ये देख सकते हो आप, वोकल फॉर लोकल। अच्छा, एक चीज आपने ना सुनी भी होगी, अभी फेस नहीं करोगे अपने ना, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, टाटा की सर्विसेज में इशू आते हैं, जैसे आप सर्विस कराने जाओगे ना, वो अगर जैसे कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं अपना वो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ओनरशिप रिव्यू आए हैं ऐसे, तो वो इशू करते हैं, मतलब सॉल्व नहीं करते हमारे इशू को, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हमने पहले ही पूछ लिया था उनसे। अच्छा, पहले पूछ लिया था? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं आएगा, अगर कोई आया भी तो हम हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कह तो रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा। तो अपने इसके अंदर चलते हैं, एक बार अंदर से पूछते हैं, जैसे वो बता रही है फंक्शन ओरिएंटेड कार है अपनी वाली ना, तो भाई अब आप बताओ मुझे कौन से फंक्शंस हैं जिसकी वजह से आपने गाड़ी ली है? एक तो मोड है, ऑन कर ले इसे। एक तो इसमें तीनों मोड है। तीनों मोड कौन कौन से? सिटी, इको, स्पोर्ट। अच्छा, सिटी, इको, स्पोर्ट, कौन से में चलाना ज्यादा प्रेफर करते हो? मैं इको में चलाती हूँ क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे। सही है सही है, और इको में एवरेज भी अच्छी रहेगी गाड़ी। अच्छा, ऐसे मतलब दो तीन ऐसे पॉजिटिव बताओ जो आपको इसमें अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे आप ना उसके टोयोटा से इस पे टाटा पे शिफ्ट हुए हो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता होगा। एटियोस में तो कई फंक्शंस मिलते हैं, एटियोस में तो कुछ भी फंक्शंस नहीं थे इसमें, जैसे एयरबैग, एटियोस में एयरबैग्स भी नहीं थे। अच्छा, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। अच्छा, और ये मोड वाली बात हो गई, रूफ टॉप हो गया इसका। अच्छा, ये सनरूफ वगैरह जो भी है, रूफ टॉप नहीं था, और क्या कहते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं था एटियोस में,
स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें है और क्या कहते हैं डिजिटल वो। अच्छा ये डिजिटल जो स्पीडोमीटर वो भी था उसमें। अच्छा एक चीज और सच सच बताना, देखो जोक सपाट, ये जो सनरूफ है आप जैसे गुड़गांव ऐसे इलाके में रह रही हो, आप जैसे शहर में रह रही हो वहाँ पे मतलब ये कामयाब है सनरूफ, जैसे गुड़गांव में खोल के निकल जाओ बाहर धूल मिट्टी में? ऐसा तो नहीं है, पर जैसे एक तो जगह है वहाँ पर जो काफी अच्छी, जैसे साइबर सिटी हो गई हमारी, वहाँ हम चला सकते हैं सन। और अभी तो वैसे भी विंटर सीजन आ रहा है तो उसमें निकल ही सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं होगा। सनरूफ का तो ना ऐसा ही अपने कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाओ ना तो ये बर्फ वगैरह में ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अच्छा ऐसा नेगेटिव कुछ गाड़ी में लगता है कि हाँ भाई मुझे ना ये जैसे ये चीज होनी चाहिए थी बट ये नहीं है गाड़ी में? क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था। नाइस, नॉलेज तो है भाई बंदी को गाड़ियों के बारे में, क्रूज कंट्रोल नहीं है। हाँ XM वेरिएंट ना शायद इससे ऊपर मिलता है, वो XT में आता था। हाँ XT में आता है, क्रूज कंट्रोल भी है उसमें, हैंड रेस्ट भी है इसमें, हैंड रेस्ट नहीं है। हैंड रेस्ट वगैरह तो वो तो आप उसमें लगवा सकते हो, बाहर भी मार्केट से भी लग जाएगा, उसमें लगा हुआ आएगा ऑलरेडी। हाँ वो तो है। और वायरलेस चार्जिंग, हाँ वायरलेस चार्जिंग ये भी भाई इशू है। हाँ तो इसमें ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो तो है तो सी डाटा केबल का ये है, पर आजकल गाड़ी में वायरलेस। हाँ वही है उसके लिए ना, वही है थोड़ा सा, अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो आप ले सकते हो। बाकी एक चीज जो मुझे अच्छी लगी इसका ये देखना, इतना स्पेस है भाई इसमें, आप कुछ भी अपने छोटे बच्चे को भी बिठा सकते हो अंदर ना। देखो मतलब बहुत अच्छी चीज लगी थी ये। बाकी सारी पावर विंडो है ना इसमें। अच्छा पीछे से पूछ लेते हैं और भाई ये अपना भाई है गौरव, गौरव स्पेस कैसा है पीछे बैठने में? तो सीट में भी तो बैठा है बाहर वो खड़ी में, तो इसमें कैसा स्पेस लग रहा है? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुस्कान एक चीज और, मतलब 11.5 लाख रुपए की गाड़ी है ये, ठीक है, तो मतलब आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करते हो कि हाँ भाई आप टाटा की तरफ जा सकते हो बंद करके, वेन्यू की तरफ ना जाके, जो भी महिंद्रा की तरफ ना जाके, हुंडई की तरफ ना जाके, आप टाटा की तरफ जा सकते हो, नेक्सॉन की तरफ? बहुत सही है, मतलब कम प्राइस में इतने फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत सही चीज है। और टाटा एक सबसे बड़ी बात इंडिया की ब्रांड है, तो भाई अब सब कह रहे हैं कि सब इंडिया को वो करो, प्रमोट करो, सब बंद करो, तो यही सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि इंडिया की गाड़ियां लेना स्टार्ट कर दो। सही है। अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाइज जैसे स्विफ्ट भी चलाती हो आप, अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी आपको पता है? मैंने रिव्यूज पढ़े थे ना इसके, उसमें बता रहे थे कि मतलब बहुत सही गाड़ी है, मतलब अगर जैसे बाय चांस कुछ हो भी जाता है सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छी है। 5-star rated गाड़ी आती है, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख सकते हो भाई पूरा पियानो ब्लैक फ्लिस में हमें आपका ये मिलता है, एसी के कंट्रोल्स हो गए, हीट वेंट जो भी है मतलब हीट कूल करने का ऑप्शन है, ये हजार्ड लाइट के कंट्रोल हो जाती है टच स्क्रीन में हमारा। अच्छा ये पूरा हमारा टच स्क्रीन में मिलता है, FM में जो भी है आईपॉड वगैरह यहाँ पे। मेरी आज की वीडियो देखो ऑनर बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अपनी नेक्सॉन आप देख सकते हो, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, बाकी धुलने के बाद तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा ये, है ना। ये देख सकते हो भाई आप इसकी कितनी बोल्ड लुक आ रही है ना, पीछे से इसके टेल लैंप्स वगैरह कितने प्यारे हैं। देखो पीछे से अपने ये वो मिल जाते हैं, देखो सारे पार्किंग सेंसर हैं, दो पार्किंग सेंसर हैं, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर रखी है इसमें। नेक्सॉन की बैजिंग वगैरह वो तो सब आपको पता है, नेक्सॉन गाड़ी तो नेक्सॉन की बैजिंग मिलेगी, टाटा का लोगो वगैरह, बाकी ऊपर से देखो शार्क फिन एंटीना कुछ ऐसा मिलता है। सनरूफ जो उसमें जो नेगेटिव वो नहीं बता पाई मैं बता देता हूँ आपको, जो मुझे लगी पर्सनली, सनरूफ इसकी बहुत छोटी है उसमें ना, मतलब दो बंदे क्या एक बंदा भी कंफर्टेबल खड़ा नहीं हो सकता, जो मुझे एक नेगेटिव लगा है उसका। बाकी तो आप गाड़ी देख सकते हो भाई, हाइट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कलर वाइज वगैरह सारे इसके पावर विंडो वगैरह भी सब चीज़ मिल जाती है। और आप देख सकते हो उसके फ्रंट से आपको लुक दिखा देता हूँ, ये देखो ये है भाई अपनी टाटा की नेक्सॉन। तो वीडियो बताओ भाई आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी, जैसा भी था ओनरशिप रिव्यू भाई आप बता देना कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखने में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।